आज की प्रेस वार्ता में आपसे मुखातिब हूँ। और आज की जो प्रेस वार्ता में हम भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारी रियासत से दफा 370 और अपना 35 से वो जहाँ से दफा किया और हमारा जो रास्ता साफ किया, क्योंकि उसके पहले हमें जो डराया और धमकाया जाता था कि जहाँ दफा 370 है आप कुछ नहीं कर सकते हो, हमारी जो रिजर्वेशन है मंडल पैटर्न पर वो पेंडिंग है, हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो जैसा शीघ्र जैसे पूरे हिंदुस्तान में ये लागू है तो जहाँ भी लागू करके हम लोगों का भला करें, इससे हमारे रियासत का और देश का भला हो। उसके साथ ही हम जो इस 370 के तहत लोगों को नुकसान हो रहे थे, जो उन लोगों ने बड़े तस्वीर जिले हैं, खास करके वाल्मीकि गोरखास और रेफ्यूजी, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं ताकि उनके बच्चे जो पढ़ लेकर बेकार घूम रहे हैं उनको भी कहीं रोज़गार मिले और वो भी एक देश के शहरी का जो है वो कर्तव्य निभा सकें और उनको हक हुकूम मिल सकें। मैं मीडिया फैटनिटी से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हाईलाइट करें और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं। कश्यप महासंघ के बैनर के नीचे ये आज की प्रेस वार्ता हम ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत सरकार का धन्यवाद करने के लिए कि जिन्होंने दफा 370 और 35 को हटाया, जिससे हम लोग बहुत ही खुश हैं, हम लोग जश्न मना रहे हैं और भारत सरकार का हम जहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं। तो उसके साथ ही हमारे जो मंडल पैटर्न पर जो हमारी रिजर्वेशन थी वो लागू नहीं हो पा रही थी 370 की वजह से, अब क्योंकि 370 हट गया है तो हमें और वो हमारा जो हक है जो संविधानिक हक है रिजर्वेशन 27% वो हमें मुहैया करें। तो इसी के लिए ये हमने प्रेस वार्ता रखी थी, हम उन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं हमारी तरह जिन्होंने बहुत ही तस्वीरें झेले हैं, खास करके गोरखास वाल्मीकि और जो रिफ्यूजी थे, हमें तो वोट डालने का हक था, हमारे राशन कार्ड भी थे, लेकिन इन लोगों को ना तो वोट डालने का हक था, ना इनके राशन कार्ड थे, ना इनकी कोई रिहाइश का भी प्रबंध था। हम सभी लोगों का इनको मुबारकबाद देते हैं और मीडिया की फेडरलिटी से ये अपील करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं और जो हमारी प्रॉब्लम है वो कृपया हाईलाइट करें और भारत सरकार से पुनः निवेदन है कि 370 तो हट गया लेकिन हमारी पहचान, लोगों की पहचान, कल्चर और भूमि को बचाने के लिए दफा 372 और दफा 371 वो लागू करें।